kota summa haldi jago masumo choka khatio kichago masumo choka khatio kichago tamashi ke lakhatio kichago tamashi ke lakhatio kichago Chandra ko ruho sumbiti achivi Chandra ko ruho sumbiti achivi Tan paisa pecha khati o kichago Tan paisa pecha khati o kichago Tamashki ke la khati o kichago तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता है दो दिन से यहाँ पे एक इवेंट हो रहा है चित्राल एक्सपो के नाम से, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ और मुख्तलिफ स्टॉल पे जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि लोगों का एक्सपीरियंस किस तरह रहा यहाँ पे, क्या मज़ीद इस तरह के इवेंट्स चित्राल के अंदर होनी चाहिए क्या। तो यहाँ पे काफ़ी गाड़ी से आप देख लें, आपको दिखाता चलूँ, गाड़ी से मिलेंगे, लोगों का रिव्यू हम लेंगे। दोनों साइड पे यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, आप यहाँ पे तलाश के जो हैंडीक्राफ्ट हैं जरा इसमें खान से भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। उसके साथ साथ आगे जाते हैं आपको दिखाते हैं जो हैंडमेड जो चीज़ें हैं हर खिदमत वालों ने भी यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं। उसी के साथ यहाँ से आप देख सकते हैं चित्राली जो कालीन है यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे बने हुए, इनका रेट क्या है मैडम? ये 7000 का एक का। ये किस चीज़ के लिए, मतलब ये डेकोरेशन है? ये जनमाज़ है, सेंटर पीस के तौर पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। सेंटर, अच्छा, और ये भी टेबल टेबल के ऊपर भी सकते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे बने हुए हैं। ये चित्राल में ही बनते हैं? चित्राल खवातीन बनाते हैं ये। इसका क्या नाम है? नेसा और इसे? अच्छा, क्या मैसेज देना चाहिए, क्या इस तरह के इवेंट होने चाहिए चित्राल की खवातीन के लिए? इंट्रोडक्शन खुद करेंगे, कहाँ से हैं भाई आप? जी चित्राल से। चित्राल से आप खुद ये बिजनेस करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है? मोहम्मद रफी। मोहम्मद रफी, इस बिजनेस का क्या आपका कोई ऑनलाइन वो शॉप है? रॉयल शॉप चित्राल के नाम से ऑनलाइन ऑफलाइन। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस किस तरह रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, मेरा पहला दफ़ा इस तरह के फंक्शन में शामिल हुआ था। अच्छा, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अच्छा, तो सेल किया अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। लोगों का इंटरेस्ट किस तरह है यहाँ? इंटरेस्टेड में जो लोकल जो बंद है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसको, मैंने अपनी तरफ से ये कोशिश की कि एक्सपो कामयाब हो। अच्छा, प्राइस मैंने स्पेशली कम रखा था, इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह लोकल भी हमने सेल किया और जो बाहर से लोग आए थे उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह।
स्टॉल पे आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंटिंग यहाँ पे लगे हुए हैं। ये जो बेटी है हमारी, ये खुद बनाती है। मैम आप खुद बनाती हैं ये? अच्छा, आप खुद अपनी इंट्रोडक्शन करें कि आप कहाँ से हैं। और मैं चित्राल से ताल्लुक रखती हूँ। आज मैं एक्सपो पे आई हूँ जो कि चित्राल में फर्स्ट एक्सपो थी, और बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ क्योंकि यहाँ पे इससे पहले तो हम घर में ही होते थे अपने, ना तो कोई देखता था और ना ही ऑर्डर्स मिलते थे, इस तरह होता था। और यहाँ आके हमारे प्रोडक्ट भी सेल हुए और हमारी इंस्पिरेशन भी हुई। जो हमारे चित्राल के जो बेटियाँ हैं उनको आप क्या मैसेज, स्पेशली यूथ को क्या मैसेज देंगे आप? इसके हवाले से क्या बिजनेस करनी चाहिए या इस तरह की एक्टिविटीज मतलब चित्राल के अंदर होनी चाहिए? जी बिल्कुल, मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने स्टडी के साथ साथ ऐसी एक्स्ट्रा इवेंट्स जो होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होते हैं, उनमें भी पार्टिसिपेट करें और हुनर भी सीखें। चित्राल एक्सपो में मौजूद हूँ और यहाँ पे एक ऑडियंस मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, खुद इंट्रोडक्शन करें। मेरा नाम मोहम्मद रईस है और मैं चित्राल यूनिवर्सिटी की तरफ से आया हूँ। अच्छा। जी आर ओ के तौर पर। अच्छा, आप चित्राल यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप इस इवेंट को किस नज़र से देखते हैं? क्या हमारे जो फ्यूचर जो जनरेशन है उसको फ़ायदा होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर। मैंने देखा क्योंकि मैं एज अ जी आर ओ काम कर रहा था, मैं इनसे फीडबैक ले रहा था, तो मुझे पता चला कि हमारे चित्राल में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और इस पोटेंशियल को हमें नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे एडवर्टाइज करना चाहिए। सर, मैंने देख लिया यहाँ पे देखा कि ज़्यादातर जो है वो चित्राल से बिलोंग करते हैं और बहुत टैलेंटेड यहाँ पे आपको जो टैलेंटेड लोग यहाँ पे मिले, मुख्तलिफ स्टॉल लगे हुए, तो आपने कुछ फ़ायदा देखा यहाँ पे? यानी क्या बिजनेस करनी चाहिए? बिल्कुल, स्पेशली जो फीमेल्स हैं मुझे उनको देख के खुशी हुआ कि फीमेल्स भी इस मैदान में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टेस्ट लेवल पे यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। उनका कहना है कि क्योंकि चूँकि हम उनके साथ हैं, उनका कहना है कि हम इससे बड़ा एग्जीबिशन यहाँ पे लॉन्च करेंगे। तो फ्यूचर में एक्सपीरियंस किस तरह है? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। अच्छा, क्या जो हमारे चित्राल की जो जनरेशन है उनको क्या मैसेज देना चाहिए? चित्राल के जनरेशन, चूँकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे, मैं खुद इनमें आता हूँ, हमें बिजनेस की तरह जाना चाहिए सर। बिल्कुल, हमका मकसद यही है। बिल्कुल सर। पेशावर से एक गेस्ट आए, उनसे रिव्यू लेते हैं कि वो इस इवेंट के हवाले से और चित्राल के कल्चर के हवाले से वो क्या कहते हैं, जरा उनसे हम आगे से। सर, आप चित्राल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं फर्स्ट टाइम। कोई इन्विटेशन आया हुआ था इस इवेंट की तरफ? जी लेकिन मैं बेसिकली फर्नीचर स्टेशन का प्रेजिडेंट के बीच पेशावर से। सही सर, यहाँ पे इन्विटेशन थी ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान और के पी बाइट उनके हवाले से। सही, लेकिन मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ और ये सोच रहा हूँ कि पहले के मेरा मूड साल आऊँगा और कम अज़ कम 15-20 साल यहाँ पे गुजार के जाऊँगा। अच्छा, तो यहाँ पे आपने इस तरह क्या देखा कि आपका दिल कर रहा है कि 20-25 दिन यहाँ पे? देखिए, यहाँ का कल्चर, यहाँ की जो मेहमान नवाजी है, इस तरह की हॉस्पिटैलिटी है। हम तो कहते थे कि हॉस्पिटैलिटी सिर्फ पेशावर में होती है, यहाँ पे भी इस तरह हॉस्पिटैलिटी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं।
इवेंट का बहुत मजा है यहाँ पे। अच्छा, दो दिन से आप यहाँ पे थे? जी, दो दिन से मैं। अच्छा, तो चित्राल की जो यूथ है, जो हमारे जनरेशन है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बिजनेस के हवाले से कुछ यहाँ पे स्किल्स डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल है, मैंने देखा काफी ज्यादा पोटेंशियल है। देखिए, मैं अपनी फील्ड में कहता हूँ, यहाँ पे वुड अवेलेबल है, अखरोट की वुड है, वॉलनट वुड जिसको कहते हैं, केडियर वगैरह, ये लकड़ी तकरीबन आपको 1000 रुपये मन के हिसाब से मिल जाते हैं, और पेशावर में ये आपको तकरीबन 8000 से 12000 रुपये स्क्वेयर फुट के हिसाब से मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर स्किल लेबर हो तो यहाँ पे फर्नीचर क्लस्टर अगर आप मुतारफ करवाए तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और काफी तरक्की हो सकती है फर्नीचर सेक्टर में। तो ये जो है इस तरह की मजीद होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। मैं कहता हूँ हर 2 महीने 3 महीने के बाद होना चाहिए, सिर्फ पर एनम नहीं, सालाना के हिसाब से नहीं, हर महीने 2 महीने 3 महीने बाद इस तरह की इवेंट होने चाहिए। तो इस तरह हम आगे जा रहे हैं, एक एक स्टॉल पे हम जाके उनसे उनका खेल आया हूँ। यहाँ पे हमारे साथ एक बेटी यहाँ पे मौजूद है, इनसे पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से हैं? मैं चित्रा से हूँ और मेरे इदारे का नाम हाईटेक इंस्टीट्यूट। अच्छा, हाईटेक को रिप्रेजेंट करती हैं। अच्छा, तो आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं? मेरे पास इंटीग्राफ की चीज़ें हैं और अच्छा, ये खुद बनाती हैं आप? जी, आपके साथ और कोई है? जी बिल्कुल, हमारे साथ लड़के हैं, काम करती हैं हमारे साथ। अच्छा, तो ऑनलाइन भी आप ऑर्डर के मुताबिक देते हैं? अच्छा, ये जो हमारे सामने ये जो चीज़ें, ये ऑर्गेनिक क्या है, जूस है क्या है? ये मलबेरी जूस है और टमाटो चिप्स है। अच्छा, और हनी है। एक और स्टॉल है जो चित्राल के मशहूर जो सलजी थे उसके हवाले से यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। भाई से पूछते हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं और इनका एक्सपीरियंस यहाँ पे इस एक्सपो में किस तरह रहा, और ये सारा कुछ इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। सर, क्या हाल है? ठीक ठाक। आप कहाँ से आए और आपका नाम क्या है? मेरा ताल्लुक लेना है चित्राल से है, और यहाँ पे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उसमें से जो यहाँ पे पहली मरतबा चित्राल में इस तरह से एक चित्राल के जितने भी लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको चित्राल के जो मकामी लोग हैं पूरी दुनिया के सामने पेश करने का पहली मरतबा इस तरह मौका मिला। अच्छा, तो मैं मशहूर हूँ उनका कि इस तरह से इंडिया भी अगर इस तरह से एक्सपोर्ट होना जाएंगे तो जितने भी लोकल प्रोडक्ट हैं वो प्रमोट हो जाएंगे। अच्छा, तो आप स्पेशली हमें ये बता दें, चित्राल के जो यूथ है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या इस तरह की इवेंट्स चित्राल के अंदर मजीद ऑर्गेनाइज होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह के जितने भी इवेंट्स अगर चित्राल के अंदर ऑर्गेनाइज होंगे ना, तो हमें खुद पता नहीं था कि इस तरह से पहले भी मतलब हमारे उसमें चित्राल के अंदर बाटलियन लोग मौजूद हैं, उनके जो हैंडमेड जो प्रोडक्ट थे वो लोगों की नज़रों से दूर थे। बिल्कुल, इस तरह से जब इवेंट्स जब मुनाकिद हो जाएंगे तो सारी दुनिया को उनको पता चलेगा।
पे मौजूद है। ये भी स्टॉल लगाया हुआ है यहाँ पे वूलन शॉल सेंटर चित्राल के नाम से, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं यहाँ पे, और ये शॉल लगे हुए हैं। तो किचम के हयात तक किचे एक्सपीरियंस हुए जबरदस्त किचा फायदा हो ना था ते वो जान वो जिसको देख क्या पैगाम देख मस्त बैठा हो मैं बेकार लिखे लिखा चुके भगवान तो फायदा किया मशीन समझे मैं प्रोफेशन हुई थी अनुभव हमने अल्लाह तो मजे जितने भी यहाँ पे मैंने देखा है चित्राल से ही बिलोंग करते हैं, और आप चित्राल के कहाँ से सर? मैं इधर चित्राल, मैं बेसिकली तो बुनी से हूँ लेकिन मैं चित्राल को रिप्रेजेंट करता हूँ। ये हमारी वेजिटेबल सीड कंपनी है जो कि एक इंटरनेशनल कंपनी है, हम यहाँ पे अनियन सीड प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा अच्छा, चित्राल के अंदर? चित्राल के अंदर। ये हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बेचते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। अच्छा, ये इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करते हैं? छह कंट्रीज हैं जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान के 6-7 इलाकों में हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है। जबरदस्त जबरदस्त। हमारा सेम पॉइंट यहाँ पे आके आपका एक्सपीरियंस किस तरह है यहाँ पे आके? इस तरह के इवेंट तो बहुत कुछ होने चाहिए, खासकर जो चित्राल के लोकल प्रोडक्ट है ना उनको डेवलप करने के लिए, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ के हिसाब से सेल के लिए तो नहीं है, जस्ट हम ये शो करना चाह रहे हैं कि चित्राल में कितना पोटेंशियल है, यहाँ क्या हो सकता है। तो अदरवाइज एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और क्योंकि यहाँ पे गर्म में आप ये अपने घरों में कर सकते हैं, लेकिन ये जो इसको पेश करने का मकसद ये है कि यहाँ से आप कितना इंटरनेशनल मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच। आप लोग आए तो ये रख लीजिए। बहुत शुक्रिया। सेंटर जो है उसके और यूनिवर्सिटी ऑफ चित्राल के कोलेब्रेशन से चित्रालियन साइंस सोसाइटी की तरफ से इधर स्टोर लगाया है हमने। तो इसमें हमारे पास जैम और जो जूस जो है वो हमारे पास है। तो अच्छा, ये आप खुद बनाते हैं? ये खुद से ये जी सर, ये जो एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन में उधर खुद बनाया जाता है, और ये 100% ऑर्गेनिक। यहाँ पे एक स्टॉल में हम मौजूद है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ चित्राल के स्टूडेंट थे, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने शेड किया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक इनके पास जूस मौजूद है।
तो इस तरह दो दिन का जो एक्सपो था एक्सपो चित्राल के चित्राल एक्सपो के नाम से, वो आज इख्तिताम पज़ीर हो रहा है अभी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग क्लोजिंग कर रहे हैं, अभी निकल सारे स्टॉल जो हैं वो अभी क्लोज हो रहे हैं और सारे लोग जा रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो बनाने का मकसद यही है। हमें पता चला था कि चित्राल के अंदर भी इस तरह के लोग हैं जो अपने बिजनेस करते हैं, और बिजनेस करनी भी चाहिए। जिस तरह यहाँ पे फीमेल और मेल दोनों ने पार्टिसिपेट किया है, जाहिर बात है फीमेल को प्रेफर देना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए थे, सेल भी कर रहे हैं, तो जाहिर बात है हमारे लिए चित्राल के लिए एक अच्छी बात है कि लोगों को फ़ायदा होगा, टूरिज़म को होगा, कल्चर को फ़ायदा होगा, कल्चर प्रमोट होगा, ये सब कुछ होनी चाहिए चित्राल के अंदर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।